right? What is economic problem and why does it arise? And second, our question rahega, which are the central problem of an economy, right? So ye do points aaj hum cover karenge. So bane rahiye hamare sath is video mein. Main hu aapki host Atna and swagat hai hamare YouTube channel Education Point mein. तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में. सो ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना पाई जाती हो. हर कोई इकोनॉमी के अंदर कोई ना किसी ना किसी तरह की जो प्रॉब्लम है वो पाई ही जाती है, राइट. सो उसी तरह से हमारे भी यहाँ काफ़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाई जाती है. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है बेसिकली? सो मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी जो मार्केट है वो किस बेसिस पे चलती है? ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर, राइट. सो ह्यूमन किस तरह से बिहेवियर करता है मार्केट में? मार्केट इन द सेंस कि वो प्रोडक्ट को लेकर वो सेटिस्फाई है भी है कि नहीं, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, किस चीज़ को उसकी वांट है, उसको उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल हो रही है नहीं हो रही है. सो ये सारा किस चीज़ में आ जाता है? हमारे ह्यूमन के बिहेवियर पर, राइट. सो इस चीज़ में अगर हम ह्यूमन के बिहेवियर की बात करते हैं, सो हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. अब वो कहता है कि जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं. एक आता है हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स एंड दूसरा आ जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज. अनलिमिटेड वांट इन द सेंस कि जो ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है डे बाय डे, टाइम टू टाइम, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है. आज अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है सो उसको वो चाहिए. सो इसी के साथ अगर हम सूट्स की बात कर लें, लेडीज सूट्स की बात करते हैं, सो लेडीज़ को क्या होता है? जितना मिल जाए उतना कम, राइट. सो वो क्या करते हैं डे बाय डे, हाँ भी आप ये सूट चाहिए, अगर उसको कोई और पसंद आ गया, अगर आपको उनको एक शॉप पे छोड़ दें ऐसे ही कि हाँ भी आप अपनी पसंद के सूट, तो उनको च्वाइस ही नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि उनकी च्वाइस डिफरेंट होती है, कुछ अलग ढूंढते हैं, राइट. सो ये क्या है? ह्यूमन का बिहेवियर ही तो है कि उनके पास जो चीज़ अवेलेबल करवाई जा रही है वो उन चीज़ को पसंद ही नहीं कर पा रहे, राइट. सो अगर उनको पसंद आ भी जाती है सो वो एक चीज़ तो आती नहीं है, राइट. वो क्या करता है 1, 2, 3, 4 मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, राइट. सो इस तरह से क्या है, वो अनलिमिटेड वांट करता है, राइट. सो हम अनलिमिटेड वांट करते हैं लेकिन अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है लिमिटेड रिसोर्सेज की. सो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन जो लोगों की वांट है वो ज़्यादा है. लिमिटेड रिसोर्सेज लेकिन जो लोगों की वांट है, जो डिमांड है वो क्या है? वो ज़्यादा है. सो इसमें क्या है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कम है और आपके वांट जो है वो क्या अनलिमिटेड है. सो इसका मतलब कि आपकी वांट्स क्या है ग्रेटर देन है आपके लिमिटेड रिसोर्सेज से, राइट. सो इस केस में वो क्या कहता है, इसका अगला पॉइंट क्या निकल के आ जाता है डिफरेंट इन अर्जेंसी. सो इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे विंटर आ जाती है, समर्स आ जाते हैं, सो इस टाइम पे आपको उसी तरह से आपको प्रोडक्ट चाहिए. गर्मियां हैं तो आपको गर्मियों के कपड़े चाहिए, सर्दियां हैं तो आपको सर्दियों के कपड़े चाहिए. सो एट अ टाइम आपको उस चीज़ को अवेलेबल भी कराना पड़ता है. सो उससे क्या होता है प्रॉब्लम अराइज होती है. तो काफ़ी सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनको एट अ टाइम पर वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा सकती क्योंकि अब जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है बेसिकली तो हम लोग यही करते हैं कि जैसे सीज़न आने वाला है सो उससे पहले ही प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है. लेकिन अब यहाँ पे अगर हम वांट की बात करते हैं तो ह्यूमन की वांट भी तो इंक्रीज हो रही है. अब हमें क्या पता कि हमने जितनी प्रोडक्शन की है सो वो हम सभी लोगों की वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं, राइट. सो ये भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जहाँ पे अराइज होने लग पड़ते हैं. कहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं? ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर ही तो अराइज हो रही हैं. यहाँ पे बात हम एक दो पर्संस की नहीं, हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं. सो पूरी इकोनॉमी के अंदर उन चीज़ों को प्रोवाइड करना ये बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, प्रॉब्लम्स को अराइज करती है, राइट. सो अनलिमिटेड रिसोर्सेज में दूसरा पॉइंट हमारा बन जाता है ऑल्टरनेटिव यूजेस. सो ऑल्टरनेटिव यूजेस इन द सेंस कि अगर हमें कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे मिल्क की बात हमने की थी. सो अगर मिल्क एक प्रोडक्ट है सो इससे आगे हम उसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं. इसको हम चाय में यूज़ करते हैं, इसको हम स्वीट्स में यूज़ करते हैं, बटर में यूज़ करते हैं, ठीक है. सो हम कर्ड बनाते हैं. सो काफ़ी सारे इसके फंक्शंस हैं, यानी कि मिल्क तो एक है लेकिन उसके फंक्शंस अलग हैं, राइट. सो इस केस में
क्या होता है कि अगर हम मिल्क को प्रोवाइड करवाएंगे तभी इन सब चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट? सो यहाँ पे लिमिट क्या लग गई, लिमिट क्या है यहाँ पर, रिसोर्स, जो मेन रिसोर्स है यानी कि जो मिल्क है वो हमारा मेन रिसोर्स बन गया। अगर वही लिमिटेड होगा सो उससे आगे हम फर्दर प्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं, हम अगले जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बना सकते हैं, राइट? सो उस चीज़ में भी प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है क्योंकि एक प्रोडक्ट से आपको कितनी सारी चीज़ें बनने वाली हैं, राइट? सो उसके बाद हमारी मेन क्या आ जाती है, इन सब चीज़ों से बनती हैं हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम का संकट है वो बढ़ जाता है, राइट? सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आखिर इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आखिर होती क्या है। बेसिकली वो कहता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो है इंक्रीज हो जाती है, ग्रेटर देन हो जाती है लिमिटेड रिसोर्सेज से, यानी कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज कम है और आपकी वॉन्ट्स जो है इंक्रीज है, तब आपकी क्या चीज अराइज हो जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है, राइट? उसके बाद वाइट अराइज में हमने बताया कि डिफरेंट एजेंसी जैसे कि जैसे जैसे सीजन बढ़ता है या फिर टाइम चेंज होता है, लोगों की वॉन्ट्स इंक्रीज हो रही है, लोगों को एट ए टाइम कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे जैसे हमारा टाइम जैसे सीजन चेंज हो गया उस टाइम उनको चीज़ें अवेलेबल करवानी पड़ती हैं, उसी के साथ अल्टरनेटिव यूजेस, राइट? सो इस तरह से ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से हमें क्या अराइज हो रही है, प्रॉब्लम अराइज हो रही है, राइट? आपको इतना ये इस पूरे डायग्राम से आपको ये क्वेश्चन कवर हो गया होगा, राइट? हमने इस डायग्राम्स की हेल्प से इस फर्स्ट क्वेश्चन को हमने क्लियर किया है, राइट? तो अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, विच आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी के अंदर, अब ये तो हमने बात की कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम कौन सी है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर क्या था, ये सारी चीज़ें जो आती थी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर आती थी, जहाँ पर ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर ही हमारी मार्केट वर्क करती थी और प्रॉब्लम्स को अराइज करती थी, किस तरह से अराइज होती थी, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम्स जो है इंक्रीज होती थी, राइट? लेकिन इसका सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, विच आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखो अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, सो बेसिकली यहाँ पर जो सारी चीज़ें आती हैं वो प्रोडक्शन से आती हैं, कि किस तरह से जो सेंट्रल प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है यानी कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, राइट? सो ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर, जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए काम करती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं उस चीज़ों से किस तरह से प्रॉब्लम अराइज होती है। अब प्रोडक्शन वालों को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ती है, राइट? सो वो किस तरह से फेस करनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है वो देखते हैं। सो ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये लिमिटेड है, राइट? सो इसके लिमिटेड होने के कारण हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अक्कर होती है प्रोडक्शन के टाइम पे, राइट? सो वो किस तरह से होती है, अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर आप प्रोडक्शन की बात करते हो, सो प्रोडक्शन से पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ती है, इस चीज़ को बंटवारा करना पड़ता है कि आगे हम किस चीज़ को किस तरह से बनाएं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सो हम किस तरह से उसको एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज को। सेकेंड हमारा पॉइंट है हाउ टू अचीव द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका हम फुल यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। हाउ टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो हम रिसोर्सेज को किस तरह से ग्रोथ की तरफ लेके जाएं जिससे हमें अर्न हो सके मोर प्रॉफिट, राइट? सो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो एलोकेशन में हमारे पास तीन पॉइंट आते थे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बनता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में बड़े इजीली मिल रही है, यानी कि उसका बहुत ही ज़्यादा स्टॉक है, वो बहुत ही इजीली लोगों तक प्रोवाइड की जा रही है, सो उस केस में अगर हम उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे सो वो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में उसका स्टॉक तो पड़ा ही हुआ है, लोगों के पास वो इजीली प्रोवाइड किया जा रहा है। सो जो चीज़ मार्केट में नहीं है, यानी कि जिस चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज है, सो प्रोड्यूसर को वही चीज़ बनानी चाहिए, वही चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, राइट? सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है
कि किस तरह से एनालाइज करें, किस तरह से पता लगाएं कि मार्केट में किस चीज की शॉर्टेज चल रही है, किस चीज की डिमांड है, राइट। सो वो क्या प्रोड्यूस करें, उसके बाद हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा क्या बन जाता है कि कितना प्रोड्यूस करें। सो फर्स्ट वाले में हमारे कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी चीज अवेलेबल है, किस चीज की शॉर्टेज है, राइट। तो शॉर्टेज जिस चीज की होगी सो हमें पहले वो पता कर लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आती है हमारी नेचर ऑफ गुड्स, राइट। सेकेंड यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ गुड्स। सो नेचर क्या है गुड्स, कौन सी चीजें चाहिए मार्केट में, लोगों को किस चीज की डिमांड है, राइट। सो उसी के बाद थर्ड हमारा आ जाता है यहाँ पे क्वांटिटी। तो थर्ड में हमारा आ जाता है यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी में लोगों को उस गुड्स की डिमांड है, राइट। सो नेचर की वो लोग जो है वो शॉर्ट टर्म चीजों को अप्लाई कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म चीजों की डिमांड कर रहे हैं, राइट। वहाँ पे लोगों के जो नेचर है वो किस बेसिस पे हम डिपेंड करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, वो कितना जनरेट कर रहे हैं, कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम उस मार्केट को डिफाइन करते हैं, राइट। सो उसके बाद हमारा आता था यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में हम किस चीज़ को लेते हैं कि चीज़ को हम किस तरह से प्रोड्यूस करें। अब हमने बोला है कि हमारे पास क्या है, फैक्टर जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। सो जब हम प्रोड्यूस की बात करते हैं सो उसमें हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं। एक होता है कि हम लेबर की हेल्प से चीज़ों को प्रोड्यूस करें और दूसरा हमारा आ जाता है यहाँ पे कैपिटल यूज़ करें, राइट। सो कैपिटल से अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल इन द सेंस इज मशीनरी, राइट। मशीनरी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम चीज़ों को प्रोड्यूस करें। और जो फर्स्ट है लेबर की हेल्प से चीज़ों को प्रोड्यूस करना, सो लेबर की हेल्प से क्या होगा, अगर हम लेबर की मदद लेंगे सो उससे उनको क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो है अप्लाई होगी, क्योंकि उस चीज़ में क्या है सभी जो लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और उनका जो काम भी बन जाएगा, उनके प्रोडक्शन में हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करते हैं सो कैपिटल में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट तो बेस्ट क्वालिटी का मिल ही जाता है क्योंकि सारा काम कौन कर रही है, मशीनरीज कर रही है, राइट। हमें तो सिर्फ उसको ऑपरेट करना है। सो उस केस में हमारे जो लेबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं उस टाइम पर, उनके पास जॉब नहीं रहती है, राइट। वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि मशीनरी, क्योंकि सारा काम मशीन कर रही है, सो उसको ऑपरेट करने के लिए वन एक या दो जने चाहिए होंगे, बाकी तो अनएम्प्लॉयड हो गए, राइट। सो इस केस में वो कहता है कि ये भी एक नई प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम चीज़ों को किस तरह से प्रोड्यूस करें। कि अगर आप कैपिटल की यूज़ करते हैं, जैसे वॉरन में किया जाता है हर एक चीज़ मशीनरी के साथ, जर्मनी, अमेरिका, रूस, इस तरह से। सो अगर हम लेबर की हेल्प लेते हैं सो उस चीज़ में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, राइट। सो उसके बाद है फॉर होम इज़ प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब देखो हमें पता है हमारे मार्केट में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, कुछ अमीर भी हैं, कुछ गरीब भी हैं। अब अगर प्रोडक्शन वालों को ये पता हो कि हम जिसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसी कैटेगरी, कैसे लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, क्या वो खरीदने वाले लोग रिच हैं, क्या वो खरीदने वाले लोग पुअर हैं, या फिर मीडियम है, या फिर इक्वली है, राइट। सो हम वो चीज़ किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये भी बेसिकली बहुत मेन पॉइंट बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द पुअर पीपल्स के लिए सो उस चीज़ में क्या हो जाता है कि लोग खरीदते कम हैं, उस चीज़ से क्वालिटी ज़्यादा चेक करते हैं, राइट। सो जो अमीर होते हैं वो तो बेसिकली उस चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा सोचते नहीं है क्योंकि उनके पास मैक्सिमम इनकम होती है, वो उस तरह से अपने मनी को स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हम अगर ये चीज़ देखें कि हमें किस तरह के लोगों के लिए, किस तरह की मार्केट के लिए हमें चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, सो उस तरह से हमें देखना पड़ता है कि हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस बेसिकली किस कैटेगरी के लिए है, राइट। सो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, हाउ टू अचीव द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो सेकंड जहाँ पे प्रॉब्लम कौन से अराइज हो जाती है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर सकें, किस तरह से हम रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ कर सकें ताकि हमारी जो प्रोडक्शन भी है वो भी गुड क्वालिटी की निकल के आए, प्रोडक्ट भी गुड क्वालिटी के निकल रहा है और लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकें उस प्रोडक्शन से, राइट। और थर्ड हमारे यहाँ पे पॉइंट बनता है हाउ टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज।
अब देखो हमने बात की रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से ग्रोथ की तरफ लेके जाए, किस तरह से उसको बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, सो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो इन सभी प्रॉब्लम्स को अराइज करता है कौन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंदर, राइट। सो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अक्कर होती ही है सेंट्रल इकोनॉमी के अंदर, राइट। सो ये थे हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि आज हमने डिस्कस किए, 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आपके एग्जाम में भी ये बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।